आप देख रहे हैं खबर से जी न्यूज। खबरों के तेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा ने एक माह देरी से धान खरीदने पर राज्य सरकार की नीति पर सवाल उठाया है और कहा है कि धान की कटाई और मिंजाई हो रही है, जबकि सरकार ने धान खरीदी को लेकर गलत फैसला लिया है। मिंजाई के बाद किसान एक माह तक धान को अपने घर में रखेंगे। सरकार के पास व्यवस्था की कमी है और बारदाने का अभाव है। ऐसे में पिछले साल की तरह बारदाने की कमी होगी और किसान फिर परेशान होंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि बारदाने की व्यवस्था कैसे करें, लेकिन एक माह देर से धान की खरीदी होने से आने वाले दिनों में सरकार की गलत नीति से किसानों की मुश्किलें बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। हमारी खबरों को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के किसान धान कटाई प्रारंभ कर दिए हैं, मिसाई हो रहा है और एक महीने बाद खरीदने का जो सरकार ने निर्णय लिया है वो बहुत गलत निर्णय है। किसान एक महीने तक घर में अपनी धान को रखेंगे, ये अविवेकपूर्ण निर्णय है सरकार की। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं बरदाने की व्यवस्था नहीं है और पिछले साल जैसे पुनः जो है बरदाने की कमी होगी और किसान लोग परेशान होंगे। देखिए, यहाँ लोगों ने बहुत विश्वास करके पूर्ण बहुमत की सरकार और भी दो तिहाई बहुमत की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बनाए हैं। अब ये सरकार की जवाबदारी है केंद्र से वो कैसे बरदाना को लाते हैं, प्रेम व्यवहार में रहते हैं, लड़ के लाते हैं, लेकिन किसानों का जो है धान समय पे खरीदना चाहिए।